नमस्कार दोस्तों, फिर से 85%। स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है सैमसंग गैलेक्सी M51। और अगर आपके साथ भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका टच काम करना बंद कर चुका है, तो अगर आपके साथ भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है तो इसको कैसे फिक्स करना है, तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो अगर आपका स्क्रीन मान लीजिए लॉक हो रखा है और यहाँ पे आपको अनलॉक करना है, तो अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको टू फिंगर से आप ऐसे स्वाइप करेंगे और टू फिंगर से आप अपना ऐसे पैटर्न लॉक खोल लेंगे। ये अनलॉक हो जाएगा और इसके बाद ऐसे टू फिंगर से आप इसको स्वाइप करेंगे और ऐसे स्वाइप अप स्वाइप डाउन और ऐसे स्लाइड कर लेंगे। और इसके बाद सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे एक बार सेलेक्ट करना है, दो बार क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। और इसके बाद ऐसे स्वाइप करना है और इसके बाद एक्सेसिबिलिटी पे टच करना है, दो बार ऐसे क्लिक करेंगे, फटाफट करना है, गैप नहीं होना चाहिए अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। और इसके बाद स्क्रीन रीडर पे आपको सेलेक्ट करना है और दो बार टच करना है। और वॉइस असिस्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑन हो रखा है, इसको आपको क्लिक करना है और दो बार टच करना है। टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे, दो बार टच करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब आपका मोबाइल वैसे ही हो गया जैसा आपका पहले था। तो इस स्टेप से आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं टॉकबैक की, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।